हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग फैमिली में। मैं आज आप सबको दिल्ली की एक बहुत ही हैपनिंग मार्केट कमला नगर मार्केट की विज़िट कराऊंगी। कमला नगर मार्केट दिल्ली में इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिस्पाइट इतनी सारी नई नई मार्केट्स आने के बाद इस मार्केट ने कभी भी अपना चार्म नहीं खोया। हमारा जो एक शॉपिंग का पर्पज़ होता है वो भी सॉल्व हो जाता है और बहुत कुछ अलग अलग नई वैरायटीज़ जो मार्केट में आई होती है वो भी देखने को मिल जाती है। चलिए अब बिना देर करे हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ये है कमला नगर की एंट्रेंस, ये है बंगलोर रोड, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यहाँ से मैक्सिमम 5 मिनट्स की ड्राइव पे है या आप पैदल भी जा सकते हो। 5 मिनट्स ड्राइव में ज़्यादा लगेंगे आपको और पैदल जाने में आप 7-8 मिनट में पहुँच जाओगे। और जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये एक नया स्टोर बना है, मिस्टर DIY ऑलवेज लो प्राइस स्टोर। ये स्टोर मैंने अभी पिछले 1 ईयर में तो देखा नहीं है, नया ही खुला होगा। और वहाँ पे एक है मैक्स विंटर करके कोई एक स्टोर बना है, न्यू स्टोर है वो भी। मास्क किसी ने भी नहीं पहना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंपस में जाने वाले लोगों ने ज़रूर पहना होगा, बट जो शॉपिंग स्प्री पे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना। जो लोग डेली काम करने आते हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना। This is ASIC store and this is Brooklyn Brothers. ये सब न्यू स्टोर्स हैं। This is a Xiaomi. I don't know. ये कोई नया स्टोर बना है, Xiaomi Life वो करके। ये भी एक नया स्टोर है, इसको भी मैंने पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे। मुफ्ती किलर, ये तो बहुत पुराने हैं, मुफ्ती और किलर तो यहाँ थे। और यहाँ की जो बंगलोर रोड की पहचान है दैट इज़ द बिंदल्स, जिसको मैं कम से कम नहीं तो 30 ईयर्स तो बिंदल्स हैं यहाँ पे। सो नाउ अब हम एंटर करते हैं कमला नगर मार्केट में बंगलोर रोड से। ये मिनी शॉप बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये आज भी है यहाँ पे। यहाँ की पैटी, यहाँ का सोडा, ये सब बहुत फेमस है। मेघना भी एक बहुत पुराना स्टोर है यहाँ का। ये जितने भी स्ट्रीट हॉकर्स हैं ये सब बहुत पुराने हैं। नाउ लेट्स सी, इनसे पूछते हैं कि हाउ हैज़ कोविड चेंज द सिचुएशन हियर। कैवेंटर्स इज देयर। यहाँ पे लोगों की बाइंग को देख के तो लग रहा है कि लोग फिर से आ गए हैं मार्केटों में अपनी शॉपिंग वॉपिंग करने प्रॉपरली। सबका कोविड का डर ख़त्म हो चुका है और मतलब एक्चुअली यार एक पॉइंट के बाद बाहर निकलना भी होता है। आप कितने टाइम डर से जी सकते हो, इवेंचुअली तो आपको बाहर आना ही आना है। अब बार बार कितना टाइम हम सोचेंगे कि कोविड के साथ डरते रहें, घर के अंदर बैठे रहें। वाह, देखो मैंने आपको बताया ना अभी कि दिल्ली की बहुत सारी चीज़ें हैं फेमस है, जैसे कि दिल्ली का हैंडीक्राफ्ट। और दिल्ली हमेशा सिर्फ स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, तो स्ट्रीट फूड से अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दिल्ली का हैंडीक्राफ्ट देखने के लिए हम दिल्ली हाट तो जा नहीं सकते हर वक्त। नाउ आई कैन विजुअलाइज सम ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोटलीज हेयर। ये कितने का है एक पोटली? ये वाली एक पोटली 250 की है और ये वाला क्लच 350 और ये वाला जो एम्ब्रॉयडर्ड क्लच है सेम प्राइस है। इसमें कुछ बार्गेन कर देंगे थोड़ी बहुत। ये आपकी जो इकट्ठी शॉप है दोनों? अच्छा डिफरेंट शॉप है। अच्छा आप कब से यहाँ पे ये कर रहे हो, कब से लगाया आपने स्टॉल? हम तो यहाँ पे कम से कम 8-9 साल से बैठे हैं। तो कोविड के बाद की सिचुएशन कैसी है? कोविड के टाइम पे आपको क्या लगा, मतलब यहाँ पे कम हो गई थी सेल बहुत? हाँ, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब धीरे धीरे पिकअप होनी शुरू हुई है, थोड़ा हाँ रिकवर हो रहा है हमारा भी काम पे। अच्छा अभी शादी का सीजन है तो सही चल रहा है। अच्छा बाकी आपका ये बेसिक माल ऐसे शादी के सीजन पे निकलता है या लेते हैं जनरली? शादी के सीजन पे ज़्यादा का चलता है, बाकी जनरली तो थोड़ा बहुत ही चलता है। हाँ क्योंकि आपका काफ़ी गॉडी वाला है ना। हाँ। तो ये डेली वेयर में तो कम ही लोग यूज़ करते हैं। बहुत कम लेते हैं। हाँ
तो अगर मैं ये वाली पोटली या ये क्लच आपसे, जैसे मान लो मैं ये क्लच लेती हूँ, तो आप जनरली बार्गेन के बाद कितने का दे देते हो? लास्ट 300 का। और पोटली? थैंक यू। आपकी ये वाली पोटली कितने की है? सेम प्राइस। सेम प्राइस है, पर ये एक्चुअली बहुत ही सुंदर पोटली है और मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी शादी के आउटफिट के साथ किसी चीज़ की तरह इसको मैच करना हो तो बहुत बहुत ही कूल लुक देगी। ये बैगीट का स्टोर है, मेरा वन टाइम फेवरेट एंड ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज आई हैव एन ऑब्सेशन फॉर बैग। ओके, और ये तो मतलब कमला नगर का हॉटस्पॉट है जी, चाचा के छोले भटूरे। एंड आई एम ऑल्सो राइट नाउ, मेरे भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ, बट चलो लेट्स मेक द वीडियो फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक सून। सारे स्टोर्स प्रॉपरली ओपन हो चुके हैं, 50% ऑफ, बिकॉज उन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि शादी के सीज़न आ गया है और फिर से काम पिकअप हो गया है, इसलिए वाह। ये इंसेंस स्टोर था, आज से 10-15 ईयर्स पहले मैंने इसको देखा था, पर अभी पूरी एक ह्यूज बिल्डिंग की तरह बन चुकी है। इस रोड पे तो यार कुछ भी नया नहीं मेरे को दिखा, सब ऑलरेडी पुराने एग्जिस्टिंग है। टेम्पटेशंस इज देयर, 70% ऑफ, लेट्स गो एंड चेक आउट टेम्पटेशंस। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्कूल आई यूज्ड टू बाय थिंग्स फ्रॉम हियर, तो एक बार तो जाना बनता ही है टू लुक आउट द न्यू कलेक्शन दे हैव एंड द प्राइसेस दे आर ऑफरिंग। ड्रेसेस नॉट शॉर्ट एंकल, हाँ लॉन्ग ड्रेसेस ऊपर है। ये सारे इनकी पार्टी वियर टॉप्स की कलेक्शन है, ये कैजुअल टॉप्स की कलेक्शन है। ये सारे फैशन टॉप्स हैं। चलो मेरे को तो वैसे भी लॉन्ग ड्रेसेस देखनी है, तो मैं, इन्होंने बताया है फर्स्ट फ्लोर पे है, लेट्स चेक आउट द लॉन्ग ड्रेसेस। कैजुअल ड्रेसेस लॉन्ग, पेस्टल्स में कोई शेड नहीं है, पेस्टल में कितने का है ये? 1000। फिलहाल मुझे इनकी कलेक्शन को इतनी अपील नहीं करी है, तो लेट्स चेक आउट अनदर स्टोर। बट हाँ, टॉप्स में इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है, मुझे अच्छे लगे हैं टॉप्स, बट राइट नाउ मेरे को टॉप खरीदने नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज विजिट टेम्पटेशंस एंड दे आर राइट नाउ ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ। And this one is Miss Fashion. Maharani of India, look the name of the store. और इनके यहाँ पे सेल चल रही है एंड दे आर, मतलब बहुत अच्छे सूट्स हैं इनके। एथनिक कलेक्शन है इनके पास पूरी। आपने जैसे लिखा है बाहर सेल, तो क्या कितना परसेंट सेल चल रहा है? कम्प्लीटली 20% है सब पे, अप टू 20% है। इनके यहाँ पे 20% ऑफ है और इनकी काफ़ी अच्छी एथनिक कलेक्शन है, मतलब लाइक दीज पिंक्स तो आई एम लविंग इट एंड द येलोज ऑल्सो। और इनकी एक्चुअली सीरियसली काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, मतलब अगर आपके पास टाइम है और आप इंडियन देख रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस स्टोर। द नेम इज महारानी ऑफ इंडिया,
एंड दे आर ऑफरिंग 20 अप टू 20% ऑफ. ओके, तो आप आके देख सकते हैं. दिस इज वाइब मदाम. दे आर ऑल स्टोर्स, पुराने वाले जितने भी थे यहाँ पे सब वही हैं. इस रोड पे तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ भाई, मैं तो बड़ा क्लियर बता दूँ. ये इन्होंने स्ट्रीट, तो मुझे फाइनली लॉन्ग ड्रेसेस दिख तो रही हैं एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग नाइस. क्योंकि इसमें मेरे को जैसे पेस्टल शेड्स चाहिए, जिस तरह का फ्लेयर चाहिए, वो सारा इस ड्रेस में है. एंड आई थिंक आई शुड जस्ट टॉक टू देम बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा है इनका फैब्रिक भी और सारा कुछ. ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, लेट देम बाय. ये टॉप भी काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. तो इसे रेट पूछते हैं. दिस इज एक्चुअली सेम ज़ारा वुमेन, ठीक है. और ये इसके बिल्कुल साथ में बीबा का स्टोर है विच सेज COVID-19 वैक्सीनेटेड. पर मेरा यही क्वेश्चन है यार, COVID-19 वैक्सीन होने के बाद भी सबको कोरोना हुआ था, तो अब क्या इसका कोई बेनिफिट है? इस वाली ड्रेस का क्या प्राइस है भैया? 1250. कौन सा साइज है ये? साइज देखना पड़ेगा, ये 38 में मीडियम. मीडियम नहीं, इसमें लार्ज में. ये लार्ज है? हाँ ये लार्ज है. दिखाओ. तो ये क्या प्राइस लगेगा इसका? 1250. आपने 1250 तो बताया है ना. 1000 लग जाएगा, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए. बाकी हमारे जेनरल रेट होता है, साइज इशू नहीं होगा आपको. 750 लगा. नहीं, वो चीज़ नहीं है. ठीक है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है. इतने चुन्नी वाला ही तो कपड़ा है ये, कहने के लिए. बट चीज़ अलग, पर ये एक्चुअली तो ज़ारा नहीं है ना भैया. मैम ज़ारा का सरप्लस है, ज़ारा के स्टोर में जाओगे तो मैक्सिमम. चलो इसको साइड करो, 750 लगाएंगे. देखो ये भी बहुत ही अपील कर रही है, बट मेरे को लग रहा है इसका साइज काफी बड़ा है मेरे हिसाब से. साइज तो मैं देख लूंगा ना, साइज में. इसमें साइज एक साइज छोटा हो तो दिखाना. हाँ देख, पहले आप और भी देख लो ना कलेक्शन में से कोई देख लो. नहीं, इनमें से कोई और नहीं है. इसका साइज देखो एक बारी, और इसका कोई कलर हो तो. नहीं मैम, सिंगल कलर. सिंगल कलर है. अच्छा, लॉन्ग में और कौन सी ड्रेसेस हैं आपके पास? लॉन्ग में तो मैम और भी ऑफर. दिखाओ. पेस्टल शेड्स हो. पर इसकी नेक लाइन नहीं इतनी अच्छी. बट डिजाइनर पीस है, ये वेयर करने के बाद लुक अच्छी देती है. नहीं नहीं, ये दिखाओ. नहीं, ये दिखाओ. कौन सा कलर? हाँ ये. कितने का है ये? ये भी 1250 में. नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा, एक ये जो तुम्हारा टॉप बाहर टंगा हुआ है, ये वाला? नहीं, ये वाला. ये आ जाएगा 1250-1250. तुम्हारे रेट्स बहुत हाई लग रहे हैं मुझको. नहीं ना, क्वालिटी मिलेगी आपको, चीज़ अलग होगी जो आप कह रहे हो. ये तो एम में भी काफ़ी लूज लग रहा है. कौन सा? तो देख लूँगा मैं, साइज छोटा देख लूँगा ना, मैं इतना साइज होगा. और इसके पीछे वाला कितने का? ये आ जाएगा 1000-1050. और ये इसमें बड़ा साइज होगा? किस में? नहीं, साइज यही होगा, इसमें यही साइज होगा. किस में इसके छोटा साइज दिखाओ एक बारी. आप अंदर आ तो मुझे एक्चुअली इनकी कलेक्शन ठीक लग रही है, पर थोड़े से इनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा बता रहे हैं ये. अगर हमारे अंदर बार्गेनिंग टैक्टिक्स हैं तो हम कर सकते हैं. इसमें छोटा साइज नहीं होगा, बड़ा ही होगा. आपको साइजेस भी इनके पास थोड़े से लिमिटेड हैं, जो इन्होंने लगा रखे हैं वही साइजेस हैं. ज़्यादा साइजेस इनके पास हैं नहीं. अब देखते हैं, साइजेस की ऑप्शंस भी थोड़ी कम है, कलर्स की ऑप्शन भी कम है, तो ऑब्वियसली बार्गेनिंग तो हम करवा ही सकते हैं. वो हमारे ऊपर है कि हम कैसी कैसी बार्गेनिंग इनसे करा लेते हैं. इनके पास ये एक्चुअली स्टडेड जीन्स हैं, ये स्टडेड जीन्स हैं इनके पास. एंड स्टाइलिश होंगे, हम जब देखते हैं ये यंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी हैं. अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टडेड जीन्स, ठीक है. क्या रेंज है इसकी? 2500 रेंज है. इनकी रेट्स थोड़े से मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़े ज़्यादा हैं. अगर आप इनको रेट्स पे पिकअप कर सकते हो तो आप आराम से अच्छी शॉपिंग कर सकते हो. इंस्टा पे हो तो आप फॉलो कर लेना मैम. तो फाइनली मैंने अपने लिए दो
एक ड्रेस और एक टॉप चूज़ किया है, और जो कि इन्होंने मुझे 1250 ईच बताया था, पर मैंने इसको 750 करवा के 1500 इनको पे किया है। तो आप भी देख सकते हैं कि इनके यहाँ पे मार्जिन हैं, एंड दे कैन ऑब्वियसली ये देख ली इन दैट दे आर फिक्स प्राइस, बट हाँ ठीक है इनके यहाँ पे ऑप्शन है। और इसमें लिखा है नो रिफंड ओनली एक्सचेंज विद इन 3 डेज। तो अगर कोई साइज़ का इशू होगा तो आप ऑब्वियसली इसको चेंज भी करा सकते हैं, मतलब एक्सचेंज करा सकते हैं। और इनका ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं। क्या है आपका इंस्टाग्राम? लेटेस्ट बाय रानू के नेम से मैम, गर्ल्स लेटेस्ट बाय रानू, और ये है इंस्टाग्राम पे। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन शॉपिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर दे सकते हैं और उसके बाद ये आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। तो फाइनली मैंने अपनी एक ड्रेस खरीद ली है, मैंने एक्चुअली एक ड्रेस खरीदी है और एक टॉप खरीदा। तो यहाँ पे सेल, ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स नॉट अलाउड, एंड इट इज़ ओके क्लासिक कलेक्शन। ये भी बहुत ही पुराना स्टोर है, बहुत ही पुराना स्टोर है भाई। मैं बहुत छोटी थी ना तब से मैं देखती हूँ स्टोर को। यहाँ पे एक नेल आर्ट का भी है काउंटर, अगर आप आए हैं और आपके पास टाइम है तो यू कैन गेट इट डन। कक्कड़ किड्स, मतलब मैं एक्चुअली किड्स के टाइम पे यहाँ से जूते खरीदती थी, तो आप देख लो कि कितनी पुरानी दुकान है ये। मुझे एक न्यू शॉप दिखी यहाँ पे, दिस इज सीमा अपैरल्स। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी सी अपील कर रही है, मतलब आई थिंक कि ये लोग ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे कैजुअल वेयर, क्योंकि मुझे दूर से इसमें यस कैजुअल वेयर लग रहा है, आई थिंक डिज़ाइनर कैजुअल वेयर है। तो जाके इसको चेकआउट करते हैं, इनके प्राइसेस देखते हैं। एंड दिस इज़ अ न्यू शॉप सीमा अपैरल विच आई हैव नॉट सीन एवर, सो लेट्स जस्ट चेक आउट द कलेक्शन, व्हाट आर दे ऑफरिंग। सो आई थिंक दिस इज़ अ डिज़ाइनर कैजुअल ब्रांड। इसका क्या प्राइस है? मैम इसके टैग पे मैम करा हुआ है 2090। और इसमें कोई डिस्काउंट है? मैम नो मैम डिस्काउंट ओके मैम, इतने लगते हैं 10%। ठीक है, ये इनकी लॉन्ग ड्रेसेस हैं, ठीक है, ये फ्रेश में है और क्लासिक, मतलब पेस्टल शेड्स हैं जो कि समरी हैं काफ़ी। दो मुझे तो ये काफ़ी डार्क वाला पसंद आया है, बट हाँ ये समर्स के हिसाब से थोड़ा सा। और टॉप्स हैं काफ़ी, शर्ट्स हैं, बहुत कूल सी कलेक्शन है इनके पास। और ये सारे टॉप्स हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ये वाला टॉप भी। इसका क्या प्राइस है? अराउंड 1090। बट इसके तो सी थ्रू है ना, इसके स्पेगेटी के साथ। आप स्पेगेटी देते हैं? अलग से वैसे मिल जाता है, अलग से, इसके साथ नहीं पर्टिकुलर। अच्छा, यस मैम। मतलब जो आप 1090 बता रहे हो, इट इज विदाउट स्पेगेटी, वी नीड टू बाय इट अगेन अलग से। ठीक है ठीक है। और ये भी एक टॉप है जिसकी बहुत ही बड़ी कूल सी स्लीव्स लगी मुझे, इसीलिए मैंने इसको पिक किया। ये आजकल बड़ी चल रही है यार बबल वाली स्लीव्स, आई डोंट नो इनको एक्चुअली क्या कहते हैं, बट मैं तो इन्हें बबल स्लीव्स कहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कितने का ये टॉप? 1290। सो ये जो टॉप है क्या आपको अच्छी तरह दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा होगा, ये 1290 का है। इनके यहाँ पे पार्टी वेयर टॉप्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन है यार, ये देखिए। और ये वाले टॉप का क्या रेंज है? 1290। इनके रेट्स भी ठीक है, कोई इतने हाई रेट्स नहीं है। अगर अब आप एक पार्टी प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा आउटफिट 2000-3000 तक का तो होता ही है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी कलेक्शन मुझे लग रही है इनकी। काफ्तान टॉप्स भी हैं, लॉन्ग ड्रेसेस भी हैं, शॉर्ट ड्रेसेस भी हैं, जीन्स की भी काफ़ी वैरायटी है। मतलब ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टोर है और मुझे इनकी कलेक्शन पसंद आई है, इनके प्राइसेस भी पसंद आए हैं। इसमें कुछ बार्गेन है कि फिक्स प्राइसेस हैं? फिक्स प्राइसेस हैं इनके, ओके इनके फिक्स प्राइसेस हैं और इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जो डिस्काउंट है वो लिखा हुआ है टैग्स के ऊपर और आपकी बिलिंग उसी पे होगी। तो इस स्टोर में से मैं जिसमें से निकली हूँ, मैं फिर से इसका नाम बता दूँ, इसका नाम है सीमा अपैरल और ये कैजुअल डिज़ाइनर वेयर का स्टोर है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपकी और मेरी जर्नी का, कमला नगर का सफ़र पर यहाँ ख़त्म नहीं होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसका कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।